नमस्कार, आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है म्यूजिकल ऋषि ऑफिशियल चैनल में। तो आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से रियाज कर रहे होंगे। तो मैं आपके लिए आज एक और नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको 10 थाटों का रियाज बताने वाला हूँ, किस तरीके से आपको बेंजो पर 10 थाटों का रियाज करना है ताकि आपकी जो सुर की समझ है वो पक्की हो जाए, आपको समझ आने लगे सुर। कोई अगर कोई सुर दबाए या कुछ पैटर्न बजाए तो आपको समझ आना चाहिए कि ये इस थाट का पैटर्न है ना, इस थाट में ये बज रहा है ना, कौन कौन से सुर इसमें लग रहा है। तो उसी का मैं आपको रियाज बताने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो पूरी एंड तक देखना, वीडियो आपको पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि ये सब निशुल्क रहते हैं यूट्यूब पर, है ना। बात तो सही है एफर्ट कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका इतना फर्ज बनता है ना आपका लाइक और सब्सक्राइब करने का। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। आइए शुरू करते हैं। और जो नए हैं, जिनको नहीं पता थाट वगैरह क्या है, बेंजो पर कैसे बजाते हैं, तो मैंने इसकी ऑलरेडी वीडियो डाली हुई, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने थाटों को बेंजो पर बजाना बताया, 10 थाटों को किस प्रकार बजाते हैं, उनको याद रखने की ट्रिक बताई, याद रखने का तरीका बताया, 10 थाटों को किस तरीके से याद करना है वो आप जाकर वीडियो देखें, है ना, तभी आपको इस वीडियो में कुछ समझ आएगा, है ना। तो सबसे पहले आपको 10 थाट बेंजो पर बजाते हुए आने चाहिए, है ना, उनका आरोह अवरोह आपको बजाते हुए आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना है आपको, पहली स्टेप में आपको इस तरीके से ये थाटों को लिख के रख लेना है आपके सामने, है ना, कॉपी पर। ये अभी हाल ही में मैंने लिख कर रखे है कि आपको समझाने के लिए किस तरीके से रियाज करना है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले हर एक थाट जो है लिख कर रख लेना है, ठीक है, या आप साइड में रख सकते हैं, ठीक है, जब भी आप रियाज करेंगे, है ना, तो इस तरीके से रख लेना है। फिर आपको उसमें से देख कर आरोह अवरोह बजाना है, ठीक है, ऐसे बिलावल, ठीक है। आपको 10 थाटों के आरोह अवरोह बजाने, अगर आपको याद नहीं है तो है ये ट्रिक कॉपी वाली, नहीं अगर आपको याद है तो आप बिना देख के बजाएं, है ना। सबसे पहली स्टेप क्या है, आपको 10 थाटों के आरोह अवरोह बजाने, देखिए किस प्रकार से, से आपको 10 थाटों के ऐसे कर करके आरोह अवरोह बजाने हैं, ठीक है, उनमें आपको उंगलियों की प्रैक्टिस कर लेनी है ना। तो आपको अल्टरनेट बजाने हैं, पहले बिलावल बजा लिया, फिर कल्याण थाट बजा लिया, फिर उसके बाद खमास थाट बजा लिया, फिर काफी थाट, आसावरी थाट, भैरवी थाट, इस तरीके से आपको बजाने हैं ना, एक के बाद एक बजाने हैं, ठीक है, पहले एक बिलावल, एक सीरीज से शुरू करने हैं ना। तो इस प्रकार से आपको लाइन से पहले 10 थाटों को बजाना है। जब आपके 10 थाट अच्छे से रियाज हो जाए, देखिए किस तरीके से, ठीक है। तो मैंने 10 थाटों को बजा कर देखा, जब आपके इस तरीके से रियाज हो जाए, है ना, बिना देखे स्पीड में इस तरीके से जब आप बजाने लगे सारे थाट लाइन से, तब मान लीजिएगा आपका थाटों का रियाज सही जा रहा है ना। तो ये पहला तरीका हो गया। अब दूसरे तरीके में क्या करना है कि आपको अपने आप का टेस्ट लेना है, ठीक है, अपने आप का टेस्ट लेना है किस तरीके से 10 थाट आपके आरोह अवरोह हो गए, आपको याद हो गए 10 थाट में कौन से क्या सुर लगते हैं ना। तो अभी आपको आपके साथ एक गेम खेलना है, आप रियाज करने बैठे आपको अपने आप से बोलना है बिलावल थाट, तो आपको ही बजाना है, ठीक है, आपको अपने आप को कमांड देनी है कि ये थाट बजाओ, तो आपको झट से वो थाट बजानी है ना, कल्याण थाट, आसावरी थाट, पूर्वी थाट, तोड़ी थाट, भैरव थाट। तो
इस प्रकार से आपको कमांड देनी है अपने आप को, है ना, कौन सा थॉट आप अपने आप को कमांड दे रहे हैं वही थॉट आपका जो है बजाते हुए आना चाहिए। ये रियाज करने का तरीका है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आपको कमांड देना है, ये तरीका हो गया सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या है कि आपको आरओ अवरो में दिक्कत आएगी, हाथ फंसेगा, है ना, तो इसके लिए आप मेट्रोनोम से रियाज कर सकते हैं। ठीक है, मेट्रोनोम से किस तरीके से रियाज करना है इसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, लयकारी का रियाज कैसे करें इस ऐसा कुछ करके उसका टाइटल है ना, तो आप वो जाकर देख सकते हैं, मैंने उसमें बताया कि मेट्रोनोम के साथ रियाज कैसे करना है। तो देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ मेट्रोनोम के साथ दस थाटों को किस तरीके से बजाना है। तो मेट्रोनोम के रियाज होगा क्या कि आपके हाथों को जो है सिस्टमेटिक चलने की आदत होगी, है ना, आपके आरओ अवरो में हाथ नहीं फंसेगा। ठीक है, तो आपको मेट्रोनोम के साथ दसों थाटों का आरओ अवरो करना है। देखिए किस प्रकार से ये मेट्रोनोम बीट चल रही है ना, अभी आपको दसों थाटों के आरओ अवरो बजाने हैं। ठीक है, तो मैं बजाता हूँ लाइन से, शुरू करते हैं, देखिए किस प्रकार से 1 2 3 स्टार्ट। दसों थाटों को बजाया है ना, ये 10 थाट कंप्लीट हो गए। कुछ लोग नए होंगे वो सोच रहे होंगे अरे ये क्या हो रहा है, तो आप जाकर थाट वाली वीडियो देखें, है ना, तो आपको लग रहा होगा अरे ये सेम ही सेम तो बज रहा है सब एक जैसा, लेकिन एक जैसा नहीं, एक सुर के अंतर से पूरा थाट चेंज हो जाता है ना। अगर रे कोमल लग रहा है, अगर रे कोमल की जगह रे शुद्ध लग जाए तो पूरा थाट चेंज हो जाएगा, भले ही वही सुर रहे, है ना। अगर मा तीव्र लग रहा है रे कोमल के साथ, और अगर रे कोमल के साथ धा कोमल लग जाए मा तीव्र की जगह, पूरा थाट चेंज हो जाएगा, है ना, ये बहुत बारीकी का काम है। तो इस तरीके से आपको दसों थाटों का रियाज करना है आरओ अवरो, है ना। तो आप चाहें तो इनमें पलटे भी बजा सकते हैं, जो भी पलटे आपको रियाज हो, देखिए जो भी पल्टा रियाज हो, आप इन दसों थाटों में अल्टरनेट एक एक करके रियाज करें। इससे क्या होगा कि आपकी सुर की समझ बढ़ेगी, है ना, क्योंकि थाट चेंज होगा तो सुर भी बदलेंगे, तो आपके कानों को आदत होगी अलग अलग सुरों को समझने की, तो ये आपके रियाज की और कानों की क्षमता बढ़ाएगा, है ना। इससे क्या होगा आपकी उंगलियों की भी प्रैक्टिस होगी अलग अलग रागों में, है ना। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ये चार राग रियाज कर लो आप सारे गाने बजा लोगे, तो मैंने आपसे पूछा था कि वो वीडियो लानी है कि नहीं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट करें। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया हाँ सिखाइए सर, बहुत प्यारे कमेंट आए आपके। तो ऐसा नहीं कि वो वीडियो मैं बना के भूल गया, आप उस चीज़ से निश्चिंत रहें, वो वीडियो भी आएगी, क्योंकि वो वीडियो से पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, ऐसा ना हो आप इनको छोड़ते चलें। अगर आप ये समझ लेंगे, वो वीडियो मैंने जो बोला था कि मैं आपको ये चार राग सिखाऊंगा, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं बोल के और भूल गया, है ना, सिखाऊंगा मैं वो भी आपको, पर उसके पहले आप ये प्रैक्टिस करें। अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो वो प्रैक्टिस करने में आसानी होगी, है ना। ऐसा नहीं कि मैं भूल गया बस वीडियो व्यूज बढ़ाने के लिए डाल दियो, नहीं, मैं वो वीडियो भी लेकर आऊंगा, वो चार राग मैं आपको सिखा कर ही मानूंगा, है ना। लेकिन उससे पहले ये बेसिक समझ है, इसको करते चलें, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आपको सॉन्ग, आप हर सॉन्ग निकाल लेंगे इनको प्रैक्टिस के बाद भी, है ना।
तो ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और अच्छे अच्छे आप कमेंट कर दिया करें नीचे। अच्छा लगता है पढ़ने में, मैं आप सभी कमेंट पढ़ता हूँ, बहुत ही प्यारे कमेंट करते हैं। और आप लोग सीखे हैं ना, जब भी वीडियो देखें तो आप कुछ ना कुछ वीडियो सीखें, और वीडियो को प्लीज़ डाउनलोड करके ना देखें, है ना। वीडियो को डाउनलोड करके देखेंगे तो उसमें मेरा नुकसान है, जो भी वीडियो देखें ऑनलाइन ही देखें, है ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।